कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। तो आप सभी भक्तों का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले सत्र में हम सबों ने श्रवण किया कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को जाते हैं और चलते चलते निषाद राज गू के गांव में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम एक दिन के लिए श्रृंगवेरपुर में रुके हैं। बहुत सुंदर गांव है, बहुत सुंदर वहां के लोग हैं। सामने गंगा की धारा बह रही है। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को और सीता जी को बहुत सुंदर गंगा की महिमा बताई और तत्पश्चात रात हुई। भगवान राम सोए हैं, देवी सीता सोई है, लखन लाल पहरा दे रहे हैं और आधी रात को निषाद राजगु लक्ष्मण जी के पास आते हैं और दुखी होकर निषाद राजगु कहते हैं, लखन भैया ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ, कैकई ने जो किया वो बहुत गलत किया, वो दुष्टा है, वो पापिन है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया। वैसे तो देखा जाए भक्तों लखनलाल बहुत क्रोधित रहते हैं, लेकिन आज लक्ष्मण जी का ज्ञान प्रकट हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हे निषाद राजगु, आप माता कैकई को दोष मत दीजिए, कैकई का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं मिलता है, जो दुख आते हैं वो उनके ही जीवन के कर्म का फल होता है, वे हमारे कर्म का ही फल है कि हमारे जीवन में दुख आए। और भैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु श्री राम साक्षात भगवान हैं, उन्हें कौन वन में भेज सकता है। इस भूमि के भार को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। निषाद राज बोले, महाराज यदि भूमि का दूर भार को दूर करने के लिए आए हैं फिर वनवास क्यों लिए, वनवास क्यों लेना पड़ा, वहीं से भूमि का भार दूर करते हैं। तब लक्ष्मण जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, भगवान ने वनवास इसलिए लिया कि वन में जाए, अनेकों संतों से मिले, अनेकों लीला करें और उस लीला को सुनकर गा गा कर हम कलयुग के लोग अपना उद्धार कर सके। जरा सोचिए, आज भगवान को वनवास ना होता तो आज यहाँ रामकथा हो रही होती, बिल्कुल नहीं होती। अतः भगवान ने इसलिए वनवास लिया कि उनकी लीला का गान करके, श्रवण करके कलयुग के लोग सुखी हो सके। अतः हे गु महाराज, कैकई का कोई दोष नहीं है। भक्तों हमें कैकई के पात्र को समझना होगा। लोग कहते हैं कि कैकई ने राम को वनवास दे दिया, क्यों, भरत के लिए, मंथरा तो इतना कह के चली गई कि उसने याद दिलाया कि तुम्हारे पास दो वरदान रखे हैं, उस वरदानों के बारे में याद दिलाया कि तुम मौके का फायदा उठा सकती हो, याद करो वो वरदान जो थापी के रूप में तुमने महाराज दशरथ के पास रखे हैं, बुलाओ राजा को और मांग लो अपना दो वरदान। कैकई ने कहा लेकिन क्या मांगू, कैकई की बुद्धि देखिए, कैकई को यहाँ कुछ भी पता नहीं, उनके हृदय में दोष क्षण मात्र भी दोष नहीं है भक्तों। लेकिन मंथरा बोलती है कि बुलाओ राजा को और वरदान मांग लो। कैकई बोली क्या मांगू, बोले पहला वरदान मांग कि भरत को राज और दूसरा राम को वनवास। मंथरा चली गई इतना कह के, कैकई अच्छा मैं सोचती हूँ, मंथरा चली गई। कैकई जी विचार करने लगी, मन नहीं माना, नहीं राम को ही राजगद्दी मिलना चाहिए, राम को ही राजगद्दी पर बिठाएंगे। आज मैं आपके सामने रामायण के टीकाओं का एक अलग प्रसंग रख रहा हूँ। रामायण हम श्रवण करते हैं, रामायण देखते हैं, लेकिन ये जो टीका है किसी आचार्य ने बहुत ही सुंदर दिया है भक्तों, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए तो हम कैकई को समझ सकते हैं। इस टीका के बिना हम कैकई के पात्र को समझ नहीं सकते हैं।
मंथरा चली गई कि राम को वनवास भेजो और भरत को राज्य दो। कैकेयी का मन नहीं माना, राम को ही राज्य गद्दी पर बिठाएंगे। उसी समय कैकेयी के सामने जैसे ही कैकेयी ने सुना, सोचा कि मैं राम को ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा, उसी समय 33 कोटि देवी देवता कैकेयी माता के सामने प्रकट हो गए। विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतारा, कैकेयी माता के सामने 33 कोटि देवी देवता विप्रधेन सुर संत सबके साथ प्रकट हो गए, सब इकट्ठे हो गए। हे मैं माता कैकेयी, हम सब आपके शरण हैं। महाराज दशरथ की मति मारी गई है, महाराज दशरथ के बुद्धि को किसी ने हर लिया है कि उन्हें राजगद्दी दे रहे हैं। अरे यदि ये राज्य ही लेना रहता, ये राजगद्दी पर ही बैठना रहता, तो इनके अवतार लेने का कारण ही तो नष्ट हो जाएगा। इनके अवतार लेने का मूल कारण ही यदि ये राजगद्दी पर बैठ गए तो नष्ट हो जाएगा। तुझमें ये सामर्थ्य है माता, तू यपयश का विष पी जा और राम को राजगद्दी मत दे, राम को राजगद्दी पर मत बिठा, उन्हें वन में भेज, उन्हें वन में भेज के सुलभ कर माता, जंगल जा जाके सबको सबका भी उद्धार करेंगे। ये राज्य गद्दी उन उपभोग करने के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया है माता, वो तो वैकुंठ में भी राज्य गद्दी को भोग सकते हैं, यहाँ पे अवतार लेने का क्या कारण है। जनमानस के उद्धार के लिए आए हैं माता, तू समझ, तू ही अपयस का विष पी सकती है और दूसरे में सामर्थ्य नहीं माता। तो ही हम पर कृपा कर माता, हम सब देवता तेरे शरण में आए हैं। देवता लोग माता कैकेयी के चरणों में गिर गए। तब माता कैकेयी ने वचन दिया, विप्र धेनु सुर संत के हित के लिए माता कैकेयी ने भक्तों माता कैकेयी के ऋण के ऋण को सनातन धर्म कभी नहीं चुका सकेगी। एक माता की सामर्थ्य, माता हमारी तुझसे ही आशा है। देवता तू राम को राजगद्दी दे, क्या लिखेंगे वाल्मीकि, क्या लिखेंगे तुलसीदास जी, है रामायण क्या है, वनवास ही रामायण है। ये वनवास के 14 साल निकाल दो, रामायण में क्या बच जाता है। प्रभु का जन्म हुआ, खेले कूदे, पढ़ाई किए, शादी किए, बस यही। ये तो आम आदमी की जिंदगी में भी होता है, भगवान है भगवान की जिंदगी में कुछ विशेष होना चाहिए। हे माता कैकेयी, तू राम का उद्धार कर। दुनिया कहती है भक्तों कि कैकेयी जी ने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन ये बात नहीं है भक्तों। बात तो ये है कि कैकेयी जी ने राम के लिए भरत को छोड़ दिया। राम तो 14 वर्ष के लिए जंगल में गए, राम तो 14 साल बाद वन से वापस भी आ गए। राम और कैकेयी में कोई मतभेद नहीं हुए। कैकेयी जाएंगी क्षमा मांगने के लिए चित्रकूट में, लेकिन इससे पहले कि वो क्षमा मांगे, राम खुद उनके वचन को बोल देती है, माता तुम ये बोलने वाली हो ये मत बोलना। भगवान राम जैसे ही सुने कि दशरथ का मृत्यु, महाराज दशरथ अब नहीं रहे, उस समय भगवान बेहोश हो गए, गिरने लगे, उसी समय कैकेयी आई और राम को उठा लिया। सर्वप्रथम राम ने चित्रकूट में माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। पर इस निर्णय के लिए कैकेयी जानती थी कि भरत उसे कभी क्षमा नहीं करेगा, भरत जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। अरे राम तो तुरंत मान जाएगा, लेकिन भरत, भरत को मनाना जिंदगी में बस की बात नहीं है। जिसका जन्म जाता पुत्र उसके आंखों के सामने महल के बाहर 7 हाथ गट्टे करके उसमें सोए, उसमें विलाप करे, उसकी माता के हृदय में क्या बीत सकती है भक्त, आप इसकी कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। भरत ने जिंदगी भर नहीं देखा कैकेयी के मुख को, जिंदगी भर नहीं देखा, कैकेयी के कक्ष में नहीं आए। 14 वर्ष तक अपनी माता के सामने महल के बाहर 7 हाथ गड्ढे करके उसमें जीवन 14 वर्ष तक सोए। आप सोचिए एक माता के हृदय में क्या बीतता होगा, किसी माता का पुत्र उसके आंखों के सामने धरती में 7 हाथ गड्ढा करके सोए, ये उस माता के लिए सबसे बड़ी बात है। बात को समझिए, दुनिया कहती है कैकेयी जी ने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, वो ना समझ है भक्तों, उन्होंने रामायण को जाना ही नहीं, रामायण को समझ ही नहीं पाया। रामायण को समझना, संतगण कहते हैं कैकेयी जी ने भरत के लिए नहीं, भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा, राम के लिए भरत को छोड़ दिया, राम को बना दिया, भरत को छोड़ दिया, ये है त्याग। तब इन सब बातों पर विचार करके कैकेयी जी बोली, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल सकती। तो देवतागण सरस्वती देवी के सामने गए,
हे माँ शारदा, आप जाकर माता कैकेयी की जीवा पर बैठिए और उनके मुख से कहलाइए, कितनी भी कठोरता हो जाए भक्तों, लेकिन माता कैकेयी के मन में एक शब्द नहीं निकल सकता राम के खिलाफ। हे माता शारदा, आप जाकर कैकेयी जी के जीव पर बैठिए और उनसे ये कहलाओ कि हम देवताओं का काम बन सके। कैकेयी जी ने बहुत विचार विमर्श किया, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया मुझसे नहीं होगा। देवताओं ने माँ सरस्वती को भेजा, माँ सरस्वती उनके जीवा पर बैठी और उनके मुख से कहलवाया कि तापस वेश विशेष विशेषी 14 वर्ष राम वनवासी। हे निषाद राज, आप कैकेयी को दोष मत दीजिए, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार दोनों के बीच प्रवचन चला, रात बीत गई। भक्तों, रात भर कई लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच में प्रवचन होता रहा। दोनों के बीच महान प्रवचन हुए, बहुत देर तक पूरी रात बीत गई और हम यहाँ बैठते हैं 1 घंटे के लिए। उसमें भी हमारे मन में विचार आता है कि कब यहाँ छोड़ के घर पे जाएं, कितना काम बचा हुआ है। लेकिन भक्तों, वहाँ के श्रोता ही दिव्य हैं और वक्ता भी दिव्य हैं, लक्ष्मण जी जैसे और गुराज जी जैसे श्रोता और वक्ता बहुत मुश्किल है। ये प्रवचन निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच में रात भर प्रवचन चला। रात भर सुबह हुई, भगवान जगे, सुमंत्र जी को बुलाया कि सुमंत्र जी अब आप वापिस लौट जाओ। सुमंत्र जी बोले, प्रभु मुझे दशरथ महाराज ने आज्ञा दिया था कि मैं आपको साथ लेकर लौट चलूं। भगवान बोले, आप जाओ, मुझे वन में जाना है। सुमंत्र जी ने कहा, राम आप अपने पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हो, आप अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा रहे हो। इतना सुनते ही भगवान श्री रामचंद्र बहुत ही सुंदर बोले तो कि मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में जाऊं और 4-5 दिनों में वापस आ जाऊं। ये मेरे पिता की आज्ञा नहीं, ये उनकी ममता बोल रही है, ये उनकी ममता की आज्ञा है। इस प्रकार श्री राम जी बहुत सुंदर उपदेश दिए कि आज मेरे जीवन में सत्य पालन करने का समय आया है। हे तात, आज मेरे जीवन में रघुवंशियों का मान रखने का समय आया है। जिस प्रकार रघुवंशियों ने किया है, मैं वैसा करना चाहता हूँ। हितात, आज मेरे जीवन में सत्य पालन करने का समय आया है, अतः हितात मुझे सत्यता के राह पर चलने दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप वापस लौट जाइए और पिताजी का ध्यान रखिए। इतना कहते ही सुमंत्र को राम जी ने विदाई दी। घोड़े जाने नहीं चाह रहे हैं भगवान को छोड़कर, घोड़े हिनहिना रहे हैं, भगवान को छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहे। सुमंत्र जी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने रथ को मोड़ा। सुमंत्र जी चल रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे खाली हाथ खाली रथ अयोध्या जाऊं, या अयोध्या की प्रजा मुझसे क्या पूछेगी। अरे जब महाराज मुझे कहेंगे मेरा राम कहाँ है तो मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी जा रहे हैं सोचते हुए, और इधर भगवान श्री रामचंद्र, लखन लाल, सीता और निषाद राज गंगा के तट पर पहुंचे हैं। बहुत सुंदर तट है, गंगा की पवित्र निर्मल धारा बह रही है, खलखल करते बह रही है, लेकिन आज उस तट पर कोई नाविक नहीं दिख रहा है। आश्चर्य हो सकती है कि इतनी बड़ी गंगा की तट है और उसमें कोई नाविक नहीं। इतनी देर में गंगा के उस तट पर एक नाविक दिखा, गंगा के दूसरे तट पर था। भगवान श्री रामचंद्र ने इशारा किया, जरा इधर आओ। केवट ने इशारा किया, जाओ जाओ मैं नहीं आने वाला। रामायणकार लिखते हैं, माँ की नाव न केवटु आना, कही तुम्हारा मर्म में जाना। प्रश्न हो सकता है कि इतने बड़े गंगा के तट पर कोई नाविक नहीं, अरे इतनी छोटी सी नदी होती है उसमें कितने नाविक बैठे रहते हैं, कितने नाव को लेके बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी गंगा के तट पर कोई नाविक नहीं, ये कैसे है। तो भक्तों, आचार्यगण अपनी टीका में लिखते हैं, कैसे वैसे उस गंगा के तट पर अनेकों नाविक रहते थे,
अनेकों नौका चलती थी, लेकिन जब केवट को पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र आ रहे हैं और उन्हें नदी पार करने के लिए नौका की जरूरत है, तो उन्हें याद आया कि पूरी पूर्व समय में इस केवट ने, इस नाविक ने अपने राज्य के राजा को प्रसन्न कर लिया था, और उस राज्य के राजा ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम मांगो मुझसे जो चाहते हो मांगो। उस समय उस केवट ने कुछ नहीं माना, बोला महाराज समय आने पर मांग लूंगा। आज पता चला कि प्रभु राम आने वाले हैं, तुरंत राम को रात को ही वो केवट 12 बजे महाराज के घर में पहुंच गया। बोले महाराज मैंने जो पूर्व में आपके पास वर रखा था आज मैं मांगने के लिए आया। बोले क्या चाहिए बोलो। बोले बस आप कल गंगा के तट पर किसी नाव को मत जाने देना, सारे नाव वालों को रोक दो, कोई भी नाव गंगा के तट पर नहीं जा सके, कल किसी भी नौका ना रहे गंगा के तट पर। वचन था, अतः राजा ने कह दिया, पालन किया, सभी नाविकों को मना कर दिया किसी को नहीं जाना है, अतः आज केवल अकेला ही नौका लेकर केवट करा था। भगवान ने बुलाया, इधर आओ। केवट ने कह दिया क्या बुला रहे हो, मैं नहीं आऊंगा। दूर से प्रभु ने इशारा किया, तुम्हारी बात वहां से समझ नहीं आ रही है, इधर आओ। अतः थोड़े निकट आके बात करो। केवट अपनी नौका लेकर भगवान श्री रामचंद्र के पास आए। बोले क्या हुआ, तुम हमें नौका पर क्यों नहीं बिठा रहे हो, हमसे कोई तकलीफ है? बोले नहीं प्रभु, आपसे कोई तकलीफ नहीं। लक्ष्मण से कोई तकलीफ है? नहीं प्रभु, इनसे भी कोई तकलीफ नहीं। हमारी पत्नी सीता से कोई तकलीफ है? नहीं प्रभु, इनसे भी कोई तकलीफ नहीं। फिर तकलीफ क्या है प्रभु? ना मुझे आपसे तकलीफ है, ना मेरे आपके शरीर से तकलीफ है, ना आपके धनुष से तकलीफ है, ना लक्ष्मण जी से, ना सीता मैया से तकलीफ है, लेकिन प्रभु। बोले लेकिन क्या? लेकिन प्रभु आपके चरण। चरण को क्या हुआ मेरे? बोले प्रभु आपके चरण। चरण क्या हुआ चरण में? बोले प्रभु आपके चरण में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके चरण में थोड़ी दिक्कत है। बोले मेरे चरण में? मेरे चरण में क्या प्रॉब्लम हुआ, जरा देखो तो क्या हुआ है लखन, जरा देखो तो मेरे चरण में क्या हुआ। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमने सुना है आप जब अयोध्या से जनकपुर की ओर जा रहे थे तब एक पत्थर मिला था आपको। सुशील जी को बोले, तो बोले कि प्रभु आपको वो पत्थर मिला था और आपने अपना पांव उस पत्थर के ऊपर रख दिया और वो पत्थर नारी बन गई। बोले हाँ। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपके चरण के रज से जब एक पत्थर नारी बन सकती है, मेरी नौका तो काट की है तो तुरंत नारी बन जाएगी प्रभु, मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। प्रभु आपके चरण रज से जब एक पत्थर नारी बन सकती है तो मेरा नौका तो काठ का है, लकड़े की है, वो तो तुरंत नारी बन जाएगी, अतः प्रभु मैं नहीं लेके जाऊंगा। प्रभु मैं आपको नहीं लेके जा सकता। लखन जी क्रोधित तो हो रहे थे ये सुनकर, तो केवट बोले कि लखन चाहे आज कितना भी क्रोधित तो हो, क्यों ना मुझसे बाणों से मुझे छेद दे, लेकिन फिर भी मैं आपको उस पार नहीं लेके जा सकता। बोले ऐसा क्या बात है? बोले आपके पांव में प्रॉब्लम है प्रभु। तो बोले कोई तो उपाय होगा बताओ। भगवान बोले कोई केवट कोई दूसरा उपाय बताओ, दूसरा नौका तो है नहीं, तुम ही तुम्हारे नौका से ही जाना है, बोलो क्या करें जैसे तुम लेके जाओ। केवट बोले प्रभु एक उपाय है मेरे पास। बोले क्या प्रभु? प्रॉब्लम तो आपके चरण में है और उसमें भी चरण रज में है ना? बोले हाँ। तो आपके चरण को मैं पहले धो देता हूँ फिर आपको बिठा सकता हूँ। बोले ठीक है मैं धो देता हूँ चरण को। बोले नहीं 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 प्रभु, आप नहीं, आप कैसे धोओगे, आप तो राजकुमार हो, आपको चरण धोने कहाँ से आती है, रज रह गई तो फिर मेरी नौका स्त्री की बन जाएगी, अतः मैं खुद से आपके चरण को धोऊंगा। रामायणकार लिखते हैं जो भगवान वामन अवतार में पूरे ब्रह्मांड को 3 कदम में नाप लेते हैं, आज वही भगवान एक छोटी सी गंगा के तट को पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, केवट से विनती कर रहे हैं। आज से 2 दिन पूर्व वामन भगवान का आविर्भाव तिथि था भक्तों।
तो इस प्रकार से केवट उनसे विनंती कर रहे हैं और बोले, क्या करना चाहते हो? बोलो। बोले, आपके चरण को धोना चाहता हूं प्रभु। केवट पात्र लेकर आया, उसमें जल लेकर आया, जल लाया और खूब खुद मसल मसल कर प्रभु के चरण को धोए, अपने पत्नी को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और उनसे भी चरण धुलवाए। देखिए तो सुशील जी बोला, नहीं आने वाला रह रहे हम भी क्यों दौड़ते ठीक कहीं। तो बहुत सुंदर केवट ने चरण को धोया। बहुत सुंदर वर्णन है भक्तों कि चरण को धोकर नाव नाविक परमानंद को प्राप्त हो गया और परमानंद को प्राप्त होकर वो गाने लगा कि आओ भैया चरणामृत पी लो, मैं सबको पिलाऊंगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार से केवट भगवान की विनंती करने लगे। केवट ने चरण को धोया, सबको पिलाया और फिर बोले, प्रभु आपको पितरों को जल अर्पित करने का मंत्र आता है? आप तो गुरुकुल में गए हो, आपको आता होगा, थोड़ा बोलो तो। भगवान पढ़े, केवट ने उस जल को अपने पितरों को अर्पित किया। केवट ने अपने पितरों को भी कृतार्थ कर दिया, अपने पूरे जीवन को, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को भी पवित्र कर दिया, सबको उस भवसागर से पार कर दिया। आकाश से देवतागण प्रकट हुए, धन्य हो केवट धन्य हो, जिस चरण का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी जिस चरण का ध्यान संभव नहीं है, आज तुमने उन चरणों को अपने हाथ में ले लिया, उन चरणों का प्रक्षालन किए, धन्य हो केवट। देवतागण पुष्प की वृष्टि करने लगे। आचार्यगण टीका करते हुए लिखते हैं कि जब केवट ने भगवान के चरण को धोया तो केवट बोले, प्रभु आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, देखो चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर चढ़ाने की बात नहीं, चरण धो लिया तुमने, अब बस करो। बोले नावी बोला, ठीक है मैं उतार देता हूँ, फिर चलो चलो, फिर रज लगेगी, फिर धूल लगेगी, फिर मैं धोऊंगा। लखन लाल बोले, ठीक है चलो लेके जाओ बैठा लो। भगवान बोले, ठीक है। केवट ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया। भक्तगण कहते हैं, भगवान जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपना जठर में धारण करते हैं, उस भगवान को केवट ने मस्तक पर बिठाया है। देवी सीता बैठी, लखनलाल बैठे, गू भी बैठे हैं और नाविक कहता है, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं नाव मिलाऊंगा, मेरी शर्त एक नाथ सुने, मेरी शर्त एक नाथ सुने, मैं पूरी कराऊंगा, तब नाव चलाऊंगा, तब पार उतारूंगा, तब नाव चलाऊंगा, प्रभु पार उतारूंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नाथ आपकी चरण धूल से, नाथ आपकी चरण धूल से, शिला सुंदरी हुई भूल से, नाथ आपकी चरण धूल से, शिला सुंदरी हुई भूल से, नाथ आपकी चरण धूल से, शिला सुंदरी हुई भूल से, नैया पर पग पड़ जाए तो ये बिनारी बन जाए तो, नैया पर पग पड़ जाए तो ये बिनारी बन जाए तो, नौका छूटी किस्मत फूटी, किस्मत फूटी, क्या मैं खिलाऊंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा, नहीं नाव चलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा। इस प्रकार से केवट बोले कि प्रभु आपके चरण रज यदि मेरी नौका पे पड़ गई, ये काट की है, यदि ये स्त्री बन गई, अरे इसी से तो मैं अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ, मैं
कहाँ से अपने फिर परिवार का जीवन यापन कर पाऊंगा? अतः प्रभु आप क्यों मेरे पेट पे लात मारना चाहते हैं? बोले ठीक है कोई उपाय बताओ। प्रभु तो केवट बोले कि प्रभु एक ही उपाय है कि मैं आपके चरण को धो लूं, उसे साफ कर लूं, फिर आप नौका पर बैठ लीजिए। बोले हंसकर प्रभु जी आओ, बोले हंसकर प्रभु जी आओ, पग धो लो जाओ जलना, पग धो लो जाओ जलना। बोले हंसकर प्रभु जी आओ, पग धो लो जाओ जलना, पग धो जाओ जलना। केवट पात्र लेकर आया, उसमें जल लेकर आए और मसल मसल कर प्रभु के चरण को धोने लगे। अपने पत्नी को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, सबसे धुलाया और फिर चरणामृत को पिया। चरणों को केवट ने धोया, चरणों को केवट ने धोया, चरणामृत पी शुद्ध बुद्ध खोया, चरणामृत पी शुद्ध बुद्ध खोया। चरणामृत पी कर केवट परमानंद को प्राप्त हुए और क्या ऐसी अवस्था में क्या बोलने लगे? चरणों को केवट ने धोया, चरणामृत पी शुद्ध बुद्ध खोया, चरणों को केवट ने धोया, चरणामृत पी शुद्ध बुद्ध खोया। आओ भैया अमृत पी लो, आओ भैया अमृत पी लो, मैं सबको पिलाऊंगा तब नाव चलाऊंगा, तब पार उतारूंगा, तब नाव चलाऊंगा, प्रभु पार उतारूंगा, तब चार उतारूंगा, तब नाव चलाऊंगा, तब नाव चलाऊंगा, प्रभु पार उतारूंगा। केवट कहते हैं कि केवट गंगा को, गंगा के पार भगवान को लगाए, इससे पहले तो केवट ने खुद अपने अपने परिवार को और अपने पितरों को भवसागर का पार लगाया। आकाश से देवतागण प्रकट हो गए, धन्य हो केवट धन्य हो करके पुष्प की वृष्टि किए। भगवान केवट ने प्रभु को कंधे पर बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, सीता जी को बिठाया नाव पे, नाव चलाने लगे। केवल नौका चलाते और सीधे पार करते तो 5 मिनट में इस तट से उस तट को चले जाते हैं, लेकिन ये भक्त थोड़ा टेढ़ा था, केवट उसी नदी के चक्कर लगाने लगा। एक चक्कर, दो चक्कर, चार चक्कर, 5 चक्कर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया। लखनलाल क्रोधित हो गए, बार बार क्रोधित होते, बार बार भगवान उसे शांत करते। भगवान ने लखन को समझाया, लखन शांत रहो। लास्ट में भगवान बोले, केवट तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी पार करो। केवट ने कहा, बस प्रभु बस, आप 2-5 चक्कर में ही थक गए, ये 2-5 चक्कर में लगाया आपको और आप थक गए। हम तो 84,00,000 चक्कर घूम कर यहाँ पर आए हैं प्रभु, हमारी क्या दशा हुई होगी? आप तो 2-5 चक्कर में थक गए, हमारी 84,00,000 के चक्कर में क्या दशा होगी? बात यही है प्रभु, हम भी इस जन्म मरण के चक्कर से थके हुए हैं प्रभु। जैसे आप 2-5 चक्कर से थक गए हैं, वैसे हम 84,00,000 के चक्कर से थक गए। अतः प्रभु आप जिस तरह से इस नदी का पार करना चाहते हैं, प्रभु हम भी इस भवसागर को पार करना चाहते हैं। भगवान कुछ प्रकार से केवट ने किया, बोला भगवान ने केवट से आग्रह किया नार पार पार लगाने का। भगवान गए हैं, लेकिन जैसे ही उतरे भगवान के मन में संकोच हुआ, केवट ने हमें पार उतारा है, इतनी मेहनत की है, हमें कुछ उतराई केवट को देनी चाहिए। परंतु प्रभु के पास तो कुछ था ही नहीं, तापस वेश वेश विशेषी तपस्वियों के पास क्या रहता है। प्रभु के भाव को सीता समझ गई और उसी समय देवी सीता अपने हाथ से मुद्रिका निकाल कर पीछे से भगवान को दे दिया, जैसे बिल्कुल किसी को पता ना चले। श्री रामचंद्र केवट को मुद्रिका दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवट को श्री रामचंद्र मुद्रिका दे रहे हैं, परंतु केवट लेने से मना कर दिया।
भक्तों केवट बड़े शुद्ध भक्त थे, हमारे जैसे नहीं कि हम गए मंदिर में कि ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आवे भीख मांगना शुरू। केवट बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। भक्तों भगवान को बोले, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। उतराई न मैं लूंगा, 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 उतराई न मैं लूंगा। हम दोनों हैं एक जाति के, हम दोनों हैं एक जाति के, रीत निभाऊंगा। उतराई न मैं लूंगा, उतराई न मैं लूंगा, उतराई न मैं लूंगा, उतराई न मैं लूंगा। भगवान सोचने लगे, अरे ये मेरे जाति का कैसे हो गया, जाति मैंने काम काम मेरा और केवट का काम ये कैसे हो गया। प्रभु जी ओ, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं गंगा का एक खवैया, ओ मैं गंगा का एक खवैया, प्रभु भव सागर पार लगैया, प्रभु भव सागर पार लगैया, मैं गंगा का एक खवैया, प्रभु भव सागर पार लगैया। टूटेगी जब जीवन नैया, छूटेगी जब अपनी काया, छूटेगी जब अपनी काया, तब शरण में आऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा, तब शरण में आऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा, भव सागर तर जाऊंगा। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्तों जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख तारी ददावा। हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला। नाथ आज मैं काह न पावा, मीट दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मीट दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ आज आप मुझे क्या देना चाहते हो, आप बताइए आज मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ। अरे बड़े बड़े ध्यानी हजारों वर्ष तक जिसका ध्यान करते हैं और आपके चरण मात्र का ध्यान नहीं कर सकते, आपके स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते। आज मैं उस स्वरूप को साक्षात देख रहा हूँ, आज मैं उस चरण को साक्षात अपने हाथ में ले रहा हूँ। योगी लोग अपने हृदय में चिंतन करते हुए हजारों साल करोड़ों साल बिता देते हैं, परंतु आज तक आप उन्हें प्राप्त नहीं हुए। उस भगवान का दर्शन हुआ, चरणों तक मिला, मेरी नौका में बैठे, अब मुझे क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु मेरी पास बहुत जन्म जन्म से मैं मजदूरी कर रहा था, हजारों जन्मों से मैं मजदूरी कर रहा था, लेकिन हजारों जन्मों के मजदूरी का फल मुझे आज प्राप्त हो गया, आपका दर्शन हो गया। प्रभु आज मैं धन्य हो गया, प्रभु आज मैं धन्य हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मीठे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मीठे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्न मजूरी, आज दिन विधि बन भल भूरी। बहुत काल में किन्न मजूरी, आज दिन विधि बन भल भूरी। आज कछु नाथ चाहे मोर, दीन दयाल अनुग्रह तोर। आप पूछना चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तेर। नाच आज में काहु ना पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज में काहु ना पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा।
बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछुके वटले, बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछुके वटले, विधा किन्न करुणा यतन भगति विमल बल दे, विधा किन्न करुणा यतन भगति विमल बल दे। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कुछ केवट ले। भगवान ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, केवट ले लो। सीता ने समझाया ले लो ना, राम लक्ष्मण जी ने भी गुस्से में आकर बोला अरे भाई ले लेना, अभी तब से कितनी मेहनत करा रहा है तू, ले ले। लेकिन बहुत किन्न प्रभु लखन सिया तीनों ने बार बार समझाया, बार बार समझाया, मनाया, नहीं कछु केवट ले। केवट ने कछु नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और फिर केवट भगवान के चरणों में विनंती करने लगे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती पार मोही जे कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे प्रभु, हे राघव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना ही है प्रभु तू अपना अनुग्रह दीजिए, और जब आप 14 वर्ष बाद वापिस लौटो तो लौटते समय एक कृपा करना कि इसी नाव से, मेरी इस नाव से ही नदी को पार करना, बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। भक्तों, भगवान से उनकी वस्तुएं नहीं मांगते, वो भगवान को ही मांग लेते हैं, भगवान से नेक्स्ट टाइम मिलने की डेट फिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार बड़ा प्रेम से केवट ने भगवान को पार उतारा, भगवान ने बड़े प्रेम से केवट को विदा की, और केवट ने कुछ भी नहीं लिया। भगवान बहुत प्रसन्न थे, ऐसे भक्त भी होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र गंगा के तट पे खड़े हैं, शिव जी की स्तुति की, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे हैं। त्रिवेणी में स्नान किए, वैनी माधव का दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का परिक्रमा किए, और तत्पश्चात भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए हैं। भगवान एक दिन वहाँ पर रुकते हैं, हम भी आज भगवान को वहाँ पर रुकने देते हैं। आइए कुछ देर हम भगवान के दिव्य नाम से, उनके हरिनाम संकीर्तन से उनका कीर्तन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। दिव्य नाम झूमते हुए, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण झूमते हुए कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे दिखाओ नंदलाल, आज मेरे यंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे यंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे यंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे यंगना Oh.
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर हरि वो जय श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम से बोलियो एकदम राज हरि नाम संकीर्तन की श्री रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमती राधा रानी की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर